हे प्रिंस, मैं हूँ काजल। मैं हूँ सागर और आज हम रिएक्शन करने वाले हैं खान सर वर्सेस अनिरुद्ध आचार्य जी। तो तो चलिए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारे यहाँ किसी जीव की हत्या करना पाप है, इसलिए हमें मांस नहीं खाना चाहिए। हम दाल खावें, सब्जी खावें, हलवा खाएं, पूड़ी खाएं, पकौड़ी खाएं, खीर खाएं, तसमई खाएं, क्या मांस खाते हो? मुर्गी पर कितना अत्याचार करते हैं लोग, जीव की हत्या कर देते हैं लोग अपने स्वाद के लिए। जो खा रहे हैं मांस वह ज्ञानी तो नहीं है। शाकाहार करने वाले को ज्ञानी समझेंगे कि मांसाहार करने वाले को? बोल, कोरोना काल में सारी दुनिया ने काढ़ा पिया है, ना तो तुम्हारी मुर्गी काम आई, ना अंडे काम आए, ना तो बकरा काम आया, ना बकरी काम आई, सारी दुनिया ने काढ़ा पिया है, काढ़ा काम आया है। और ये काढ़ा भारत की देन है, ये काढ़ा किसकी देन है? जब संकट आएगा तो तुम्हारी मुर्गी और बकरा बकरी काम नहीं आएंगे, शुद्ध शाकाहार काम आएगा। ये तुमने जीव हत्या जितनी तुमने बकरी और बकरा और मुर्गी और मछलियां मारी हैं और खाई हैं, आपको क्या लगता खा के पचा लिया? मुर्गी और मछली तो पच गई है पेट में, लेकिन तुम्हारे जो पाप हो गए हैं अभी ये पचे नहीं, इनको तो भोगना पड़ेगा, तुम्हें इसका दंड मिलेगा। आज आप लोग देखते हैं संसार में कोई अंधा है, कोई लंगड़ा है, कोई बहरा है, कोई काना है, कोई घिसट घिसट के चल रहा है, किसी के पास रोटी नहीं है, कोई किसी के शरीर में मक्खियां ही मक्खियां लगी हैं, किसी के सिर पे शरीर पे कीड़े पड़े हैं, कोई साफ करने वाला नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई पैसे नहीं है, दवाई नहीं है, कौन लोग हैं ये? शरीर में कीड़े पड़ रहे हैं, ना तो वो ठीक कर पा रहा है, तड़प तड़प के मर गया फुटपाथ पे, मरा तो कंधा देने वाला कोई नहीं था, ये कौन लोग हैं? ये वही पापी लोग हैं जिनके पापों का दंड अब इस जन्म में उन्हें भोगना पड़ रहा है। हम लोग जो है वो शाकाहारी भी ठीक है, मांसाहारी भी ठीक है, लेकिन केवल मांसाहारी हो जाना गलत है, केवल शाकाहारी हो जाना भी गलत है। इसलिए दोनों में क्या होना चाहिए, मिक्सअप रहना चाहिए। लेकिन जो फालतू का ज्ञान देने लगता है, समझना, जो फूड चेन नहीं पढ़ा है, शाकाहारी रहना चाहिए, मन शांत रहेगा, ये इससे सिद्ध नहीं, तू शाकाहारी रहेगा तो यही से गुलाम हो जाएगा। देखे थे उधर मान चटनी रोटी, रोटी प्याज, रोटी लहसुन, रोटी पुदीना, रोटी चाय, ये खाओ, और उधर अंग्रेजवा आया सब मार के धो दिया। अभी फौज में देखते है जैसा अन्न वैसा मन, फौज में एकदम बड़ा के खिलाता है, मीट मांस मछली मुर्गा सब चलेगा, समझ गया? कारगिल पे लड़ाई हो रही थी, यानी बोलो ना शाकाहारी खा के जाओ। जब आप बूढ़े होंगे ना तो आपका सर्वाइवल ही नहीं कर पाएगा मांसाहारी, क्योंकि मांसाहारी भोजन पचाने के लिए भी दम होना चाहिए, तो बुढ़ौती में आपसे मीट मांस पचबे नहीं करेगा, तो खुदे डॉक्टर कह देगा कि बाबू अब आप चुपचाप से प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता होइए, दाल लीजिए और रोटी भिगाइए, आधा घंटा पहले भिगा के छोड़ दीजिए। आप हमारे दादा दादी का ये हाल हो गया था, उनको दादा के लिए मेरी रोटी मोटी बनती थी, पतली वाली रोटी उनसे पूछे भी नहीं करता था, दतवे नहीं था, समझ गया? मोटा मोटा नरम रोटी आग के ऊपर सेक के, रीजन क्या, नेचर एडॉप्ट ही नहीं करेगा। तो आप शाकाहारी हैं या मांसाहारी हैं, इसमें आप बहुत अपने आप को योग्य मत समझिए कि हम शाकाहारी। अगर नेचर चाहती कि हम शाकाहारी हम मांसाहारी न हो, केवल क्या रहे शाकाहारी, तो हम मर जाते मांसाहारी खाते। जैसा कि आपने कहा था अभी कि चिड़िया को भी इंटेंशनली मत मारो, जब तक उसकी जरूरत ना हो उसको मारेंगे तब तक उसको मत मारो, पर यहाँ हम देखते हैं कि लोग बाग सिर्फ अपने स्वाद को चेंज करने के लिए, अपनी जबान को एक अच्छा स्वाद देने के लिए नॉन वेजिटेरियन जो बेजुबान जानवर हैं उनका कत्ल करते हैं बड़ी बेरहमी से। महदब ने अच्छा सवाल पूछा है कि हदीस मैंने पेश की सुनन निसाई की हदीस नंबर 4451 में, इसमें लिखा है कि आई वुड नॉट किल अ स्पैरो विदाउट अ रीजन, एक चिड़िया का भी कत्ल ना करो बिना कोई वजह के। भाई साहब का अच्छा सवाल है कि कुछ लोग अच्छे स्वाद के लिए, अच्छे टेस्ट के लिए, लजीज खाना बनाने के लिए जानवरों का परिंदों का कत्ल करते, क्या सही है? आप पूछना चाहते नॉन वेज अलाउड है कहने, पहले मैं ये कहना चाहता हूँ अगर आप पूछना चाहते नॉन वेज सही है कहने, एक मुसलमान अच्छा मुसलमान बन सकता है 100% वेजिटेरियन होने के बाद भी। नॉनवेज खाना इस्लाम में फर्ज नहीं है, इस्लाम में गोश्त खाना फर्ज नहीं है, लेकिन
क्योंकि कुरान में लिखा है सूरह मायदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 1 में और सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 5 में कि अल्लाह ताला ने इजाजत दी है, खुदा ने इजाजत दी है वो जानवर जो भेड़ बकरी है कैटल यू कैन हैव देम फॉर फूड, अल्लाह ताला इजाजत दी इसलिए हम खा सकते हैं। लेकिन अभी हम चेक करेंगे कि ये सही है क्या नहीं। आज साइंस ये कहता है कि कोई भी वेजिटेरियन फूड में एक इंसान को जरूरत है 22-23 अमाइनो एसिड्स जीने के लिए। उसमें से 8 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स है जो अपने जिस्म में नहीं बनते, हमारे फूड में होना जरूरी है, हमारे खाने में होना जरूरी है। इसे कहते हैं 8 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। आज की साइंस ये कहती कोई भी वेजिटेरियन फूड नहीं है, कोई भी भाजीपाला नहीं है जिसमें सारे 8 अमाइनो एसिड्स है। नॉन वेज फूड इज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। और एक बात आज साइंस ये कहती है कि द नॉन वेज फूड इज मोर न्यूट्रिशियस। और आप देखेंगे कि जो भी जानवर है जो घास फूस खाते हैं हर्बिवोरस एनिमल, उनके दांत को आप देखेंगे उनके दांत चपटे हैं, हर्बिवोरस सेट ऑफ टीथ, सही जी? हाँ जी हाँ, एक बार नहीं कई बार बोला, कई बार बोला पर आज भी दोहरा रहा हूं क्योंकि आपने सवाल पूछा है। बराबर फॉलो होते थे तो जवाब जानते थे, लेकिन शायद आपने कुछ मेरी तकरीर सुने कुछ नहीं सुने। मैं पूरा जवाब दूंगा इंशाल्लाह, फिर आप बात कर सकते हैं। अगर खुदा चाहता कि हम सिर्फ वेजिटेबल खाए तो नॉन वेज डाइजेस्ट करने की गोद क्यों दे? तो इससे साबित होता है साइंटिफिकली वी कैन हैव नॉन वेज एंड वेज बोथ। हमें गलत फहमी है अक्सर कि हिंदू धर्म में वेजिटेबल खाना हराम है। मैं अभी कह चुका हूँ मनुस्मृति चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 30 में, चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 30 में कहा गया मनुस्मृति में कि खुदा ने कुछ जानवर बनाए खाने के लिए और कुछ खुराक बनने के लिए। अगर खुराक बनने वाले जानवर खा जाते खाने वाले जानवर के जरिए तो ये गुनाह नहीं है। आगे लिखा है मनुस्मृति चैप्टर नंबर 5 श्लोक नंबर 30 में कि अगर आप खाने वाले जानवर खाते हैं तो गुनाह नहीं है। मनुस्मृति चैप्टर नंबर 5 वर्ष नंबर 40 में कहा गया है कि कुछ जानवर कुर्बानी के लिए बनाए गए, अगर आप कुर्बानी के जानवर का कत्ल करते हैं तो गुनाह नहीं है। अगर आप पढ़ेंगे महाभारत अनुशासन पर्व चैप्टर नंबर 88 में, उसके अंदर युधिष्ठिर पांडव के बड़े भाई वो बीच में से पूछते हैं कि हमारे जो पुरखे एंसेस्टर्स जो मर गए उनको सुकून पहुंचाने के लिए हम यज्ञ में पूजा में क्या दे? तो भीष्म कहता है अगर आप भाजीपाला देंगे तो हमारे बाप दादा एक महीने के लिए संतुष्ट रहेंगे, अगर आप मछली देंगे 2 महीना, अगर गोश्त देंगे 3 महीना, अगर आप रैबिट खरगोश देंगे 4 महीना, अगर बकरी देंगे तो 5 महीना, अगर आप सुअर देंगे 6 महीना, अगर आप परिंदे देंगे 7 महीना, अगर डियर देंगे हिरन 8 महीना, और ये पूरा मेन्यू है लंबा मेन्यू है, अगर आप बफेलो देंगे बफेलो तो 11 महीना, अगर आप गाय जबा करेंगे 1 साल तक आपके दादा परदादा संतुष्ट रहेंगे 1 साल। कौन कहता है? भीष्म युधिष्ठिर से महाभारत में अनुशासन पर्व चैप्टर नंबर 88 में, पूरा मेन्यू है। वेद में कई जगह लिखा है कि साधु संत गोश्त खाते थे गाय भी खाते थे। तो इससे यह मालूम पड़ता है कि हिंदू धर्म में गोश्त खाने की ममानियत नहीं है। तो इस्लाम एक लॉजिकल मजहब है। ये सब चीजें जो आपकी दलील है ना, 200 साल पहले हो सकता है कि कोई वजन कैरी करते, आज साइंस आगे बढ़ चुका है, उस टाइम के लिए सही था, शायद आपकी कोई बात मान लेता था, आज साइंस एडवांस हो चुका है। इस्लाम जो है पहले के लिए अभी के लिए ता क़यामत तक है। इसीलिए इस्लाम में अपने हाथ को खाली निशानेबाजी के लिए नहीं लेकिन खाने के लिए किसी का कत्ल करते जो खाने की चीज़ की इजाज़त है तो ये आपके लिए हलाल है, चाहे पेड़ पौधा हो चाहे बकरी हो चाहे कोई भी खाना हो। बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो था। और अनिरुद्ध चार्य जी ने जो बयान दिया जो वो कह रहे थे कि वेजिटेरियन खाना ही सही है, वैसे ही हमारे हिंदू धर्म में कहा ही जाता है कि वेजिटेरियन ही खाना खाओ। और ऐसा नहीं है कि आप नॉन वेज कंपल्सरी खाओ
या मत खाओ, लेकिन लोग खाते और ऐसा हैं। इस्लाम में भी नहीं है कि कंपलसरी आप नॉनवेज हाँ, खाओ, लेकिन क्योंकि डॉक्टर लोग जाकिर अपने नाइक ने भी कहा कि कंपलसरी नहीं है, आप पूरे तरीके से नॉन वेजिटेरियन या वेजिटेरियन रहकर भी इस्लाम को अपना सकते हैं और इस्लाम में रह सकते हैं, तो एक बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है। पर हाँ जो अनिरुद्ध चारे जी का कहना है कि आपको मतलब आप ये खाएंगे तो आपको ये सज़ाएं मिलेंगी और आपको दंड मिलेगा, तो ये भी सही नहीं है, क्योंकि जो मुर्गियाँ होती है अभी जो ब्रॉयलर मुर्गियाँ होती है उन्हें पाला ही इसलिए जाता है कि वो मतलब लोगों को खाने के लिए, और वो अगर और हम नहीं इंजेक्शन भी खाएंगे, होती है हाँ तो बनाते उन्हें इंजेक्शन देकर बड़ा बड़ा मतलब उनका मांस हैं। बढ़ाया जाता और अभी है। तो अंडे भी मतलब लाइट पर भी होते हैं, हाँ तो आप सोच सकते हैं कि ये सभी इलेक्ट्रिक हो रहा है। हाँ, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि ये सभी चीज़ें हमारे लिए सेहत के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि ये मतलब जो मुर्गियाँ होती है वो बिल्कुल भी मतलब गावरान कहते हैं हमें, वो नहीं हाँ है, देसी नहीं देसी होती। नहीं है, वो भी मतलब हाइब्रिड है, तो ये सेहत के लिए तो अच्छी नहीं है, इसीलिए नहीं खाना चाहिए। हम तो नहीं खाते, लेकिन हम बकरे का गोश्त तो खाते ही है, तो मतलब बकरे का गोश्त अच्छा लगता है और उससे ताकत भी आती है, तो मुझे तो वही और लगता इनका है। कहना कि कोरोना में सब लोगों ने काढ़े पिए हैं, तो कुछ कुछ लोगों ने मतलब मांस भी खाया है, कुछ कुछ डॉक्टरों ने सजेस्ट भी किया था मांस खाने के लिए, अंडे खाने के लिए, क्योंकि अंडा तो मेरे ख्याल से बहुत लोगों को सजेस्ट किया गया था कोरोना काल में, तो ये कहना कि पूरी तरीके से लोगों ने काढ़ा पिया है ये भी सही नहीं है। और काढ़ा तो हमने बहुत पिया है, हमने भी पिया है हम पर अंडे भी खाए उसके हाँ। साथ, तो तो आपको क्या लगता है, आप ज़रूर कमेंट कीजिए। तो चलिए, हम अगले वीडियो में मिलेंगे।